एवरीवन, माय नेम इज अंशिका पटवाल। आज मैं अपनी दादी के लिए चाय बना रही हूँ। चलिए देखते हैं क्या करते हैं। पहले हम एक पतीला लेंगे और एक ग्लास लेंगे। पहले हम ग्लास को पूरी अच्छी तरह से भर देंगे। ये मैंने ग्लास भर दिया है। अब मैं ये ग्लास का पानी पतीले में डालूंगी। अब मैंने ये डाल दी है पानी और मैंने उसको रख दिया है गैस पे। तो अब हम जलाएंगे गैस। तभी मुझे बहुत डर लगता है। तो ये हमने जला दी है गैस। अब हम पानी को अच्छे तरह से उबलने देंगे। हम लेंगे थोड़ी सी चाय पत्ती। दादी को चीनी नहीं पसंद तो मैं अभी चीनी नहीं डालूंगी। ये मैंने चाय पत्ती ली है, उसको मैं अंदर डालूंगी। पर इतनी इतनी चम्मच, ऐसे दो डालनी है। एक हमने डाल दी। इतनी एक और इतनी डालनी है। हमने डाल दी और चाय पत्ती को थोड़ा सा उबलने देना। तब तक मैं ले आती हूँ। अब ये दूध मैंने ग्लास में ले लिया है। बाकी जितना दूध बचा वो हम फ्रिज में रख देंगे। तो देखिए, जैसे हमारी चाय उबल चुकी है तो हम इस पे आधा कप दूध डालेंगे। तो मैंने ये दूध डाल दिया है चाय में। अब हम इसको पकने के लिए देंगे। तो जैसे अभी आप देख रहे हैं हमारी चाय उबल चुकी है, पर अभी हम इसको निकालेंगे नहीं, अब हम इसको कम कर देंगे। मैं कर देती हूँ कम। देखिए, ऐसे मैंने उसको कम कर दिया। अब हम पकने देंगे उसको। गाइस, ये देखिए मेरी चाय पक चुकी है। अब मैं इसको बंद करके ग्लास में डालती हूँ। तो चलिए मैं बंद कर देती हूँ। ये हो गई बंद। अब मैं इसको ग्लास में डाल देती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे चाय ग्लास में डाल दी है। मैं दादी को ट्रे में सर्व करने जा रही हूँ। मैं इसमें चीनी नहीं डाली क्योंकि मेरी दादी डायबिटिक पेशेंट है। तो चलिए जाते हैं और पूछते हैं कि चाय कैसी बनी थी। मेरी दादी चीनी नहीं लेती है तो मैं उनको गुड़ दे देती। तो चलिए चलते हैं। ये देखिए, थैंक यू। आप देख रहे हैं मैंने दादी को चाय दे दी है। तो चलिए दादी से बोलते, दादी चाय कैसी बनी थी। बहुत अच्छी चाय बनी हुई है आपकी, तो बहुत सुंदर है। तो तब टेस्टी टेस्टी। मैं अगला भी ब्लॉग बनाऊंगी। तब तक के लिए बाय।